हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले जो है मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं बहुलक की, ठीक है, तो बहुलक जो होता है वो क्या होता है? तो मान लो आपके पास कई संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जो संख्या बार बार आए, मतलब जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो संख्या या प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण बार बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, ये लिख दो, ठीक है, सबसे अधिक बार आए वो हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। उड़ गया है, आसमान में उड़ा जा रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ होती है, वो है हमारा माध्यक, ठीक है, माध्यक बोला है इन्होंने। माध्यक को हम मधिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मधिका भी कहते हैं माध्यक। और आपको बताएं, माध्य जो होता है वो अलग होता है, माध्य अलग है, माध्यक अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माध्यक क्या होता है कि अगर हमारी जो संख्याएँ हैं अगर वो आरोही क्रम में हैं तो उन्हें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रैंडम दी गई हैं, कभी 143 तो कभी 500, कभी 120, कभी कुछ, मतलब सीरीज से नहीं दी गई हैं, तो हमें उन्हें सबसे पहले कैसे लगाना होगा? आरोही क्रम में लगाना होगा। और जो बीच वाला टर्म होगा, जो बीच वाली संख्या होगी, वही हमारी क्या होगी? माध्यक होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बीच की संख्या, ठीक है, ये हमारा होता है माध्यक। तो ये हमारा माध्यक हो गया। अब हम क्या करेंगे? माध्य के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। अब हम करेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन जो है वो है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं? ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहला मतलब इन्होंने कहा है कि बहुलक बताओ, ठीक है, क्या बताना है? बहुलक हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, लिखने, हम आरोही क्रम में क्यों लिख रहे हैं? आप ये सोचिए भाई, आरोही क्रम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी 15 है, कभी 10 है, अब 10 छोटा है फिर भी ये बाद में लिखा है, 5 बाद में लिखा है, 16 जो है वो फिर आ गया, मतलब रैंडमली लिखा है, कुछ भी लिखा है। तो अब हमें क्या करना होगा? आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे छोटा जो है वो हमारा सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो है वो हमारा 5 है, ठीक है, 5 के बाद हमारा क्या आएगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। तो 5 के बाद हमारा आएगा 9, 9 के बाद हमारा आएगा 10, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। फिर हमारा आएगा 12, फिर आएगा 15, ठीक है, फिर आएगा 16, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बताइए कि अब हमारा क्या आएगा? अब आएगा 19, फिर आएगा 20। देखो 20 कितनी बार है, ये भी देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमारा 20 है। तो हम यहाँ पे 4 बार 20 जो है वो यहाँ पे हम बड़ा लिख दे, छोटा छोटा हो गया है, 1 2 3 4 बार हमने 20 लिख दिया है।
फिर हमारा 20 के बाद क्या आएगा, तो जल्दी से कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट भी किया करिए ना। फिर हमारा आएगा 23, फिर आएगा 24, फिर हमारा आएगा 25, जो कि हमारा दो बार है। कहाँ है 25, आपको दिखा देते हैं, एक दो, दो बार हमारा 25 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे माध्यक निकालना है, माध्यक के लिए तो आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुलक, ठीक है, माध्यक के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। अगर हम आरोही क्रम में लिख लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। तो 20 जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 20। 20 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो सबसे ज़्यादा बार है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक हमारा कैसे निकलेगा, तो माध्यक जो होता है वो होता है हमारा बीच वाली संख्या, ठीक है। तो बीच वाली संख्या जो होता है वो हमारा माध्यक होता है। तो माध्यक हमारा क्या होगा, वो होगा हमारी बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो पहले तो हम सारी संख्याएँ देख लेते कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 15 है हमारी संख्याएँ, तो 15 हमारी क्या है, संख्याएँ हैं, ठीक है। तो हम अगर निकालना चाहें फॉर्मूले से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, n प्लस 1, अगर विषम संख्याएं हों तो विषम के लिए बता रहे हैं, जैसे 15 जो है हमारा विषम है, तो विषम माध्यक हमारा क्या होता है, विषम जब हमारी संख्याएं हो तो हमारा माध्यक क्या होगा, ठीक है। तो हमारा माध्यक जो होगा n प्लस 1 बाई 2, तो कितना है, 15 है, ठीक है, 15 हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, बटे में दो कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 16/2, तो 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 8 = 16, हमारा क्या आ जाएगा, आठवीं संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आठवीं संख्या। तो आठवीं संख्या हमारी कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवीं संख्या जो है वो हमारा 20 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एक मिनट, अच्छा रुकिए, एक बात वो मैं बताना भूल गई, क्या बताना भूल गई मैं, अपने मन की बात। तो भाई मेरे मन की बात ये है कि आपको हमारी क्लास अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चले जाना, इतना काम जो है वो आपको करना ही करना है। और आपको क्या करना है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको हर क्लास की, हर चैप्टर की वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी। कहाँ, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से लगाई, जैसे कि कोई भी बच्चा आसानी से ढूंढ सकता है, बस आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब आप चैनल ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको हमारे अदर्स चैनल दिखेंगे, ठीक है, जिनमें से 3 चैनल हमारे पढ़ाई वाले हैं, ये वाला तो आप देख ही रहे हैं, ये वाला हमारा साइंस का चैनल है, जिसमें 6th class से लेकर 10th class तक की साइंस जो है वो पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और ये हमारा शॉर्ट्स डेली यूज की जो इंग्लिश होती है, डेली जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसको कैसे, मतलब उसमें बताया गया है। बाकी हमारे ब्लॉग्स चैनल हैं, ठीक है, इसमें डेली रूटीन वगैरह सेट होता है, डालते हैं, ये हमारे क्रिएटिव चैनल। तो इतना काम जो है वो आप कर लेना, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारा दोनों ही बराबर आया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हाँ दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम जो है हमारा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से कर लीजिए।